नमस्कार, सुबह के 8 बजने को आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 50। मुंबई के वर्सोवा में पुलिस चेकिंग के दौरान कार से 1,40,00,000 की नई करेंसी जब्त। 2,000 के हैं सभी नोट, 4 लोग हिरासत में। दिल्ली के करोल बाग में सिविल कॉन्ट्रैक्टर के घर पर इनकम टैक्स का छापा, 1,40,00,000 रुपए बरामद, 8,00,000 रुपए की नई करेंसी। पुराने कैश डिपॉजिट कराने पर पॉलिटिकल पार्टी को छूट, नहीं लागू होगा आईटी का नियम। राजनीतिक पार्टी कितने भी पुराने 500 और 1,000 के नोट कर सकती है जमा। यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज, लखनऊ में समाजवादी पार्टी की आज अहम बैठक, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। नोट बैन के बाद देश भर में जब्त हुए 316 करोड़ रुपए, पकड़े गए नोटों में 80 करोड़ के नए नोट, 76 करोड़ की ज्वेलरी भी जब्त। बैंक में जमा हुई ब्लैक मनी पर सरकार सख्त, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 3,000 बैंक खाता धारकों को भेजा नोटिस, 8 नवंबर के बाद अचानक जमा हुई ज्यादा रकम। ईमेल पर दे ब्लैक मनी की जानकारी, सरकार ने जारी की ईमेल आईडी, ब्लैक मनी वालों का सुराग देने के लिए सरकार ने बनाई नई ईमेल आईडी। आरबीआई ने कार्ड से लेन देन पर तय किए चार्ज, 1,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पर 4.5% लगेगा चार्ज, 2,000 तक ट्रांजेक्शन पर 0.5% चार्ज। इंदिरा गांधी का नाम लेकर पीएम का कांग्रेस पर हमला, बोले 1971 में होना था नोट बैन लेकिन अब लिया गया फैसला। नोट बैन को लेकर पीएम ने दिया विपक्ष को करारा जवाब, सांसदों से कहा नोट बैन पर जनता से करें सीधा संवाद। बेनामी संपत्ति पर पीएम ने कांग्रेस को घेरा, पूछा क्यों नहीं बनाया अब तक नियम। पीएम ने कहा बीजेपी दलहित में नहीं देश हित में सोचती है। राहुल गांधी ने नोट बैन को ईमानदार लोगों का बताया हमला, पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा पूरे देश में सिर्फ 1% लोगों के पास है काला धन। राहुल के नेतृत्व में पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता, किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग। राहुल गांधी ने कहा पीएम ने माना किसानों का मुद्दा गंभीर लेकिन कर्ज माफ करने पर नहीं हामी भरी। गोवा में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा मोदी की योजना है गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। कांग्रेस के अकेले पीएम से मिलने पर विपक्ष नाराज, राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस के साथ नहीं आई बीएसपी, राष्ट्रपति से मिलने के लिए अलग से मांगा समय। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की नाराजगी पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कहा कांग्रेस का पीएम से मिलने का पहले से था प्लान। राष्ट्रपति से मिले विपक्ष के नेता, आम बजट के अलावा संसद में हंगामे पर सौंपा ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल। राष्ट्रपति से मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, सरकार के रुख की वजह से नहीं चली संसद, लोकतंत्र के हर वसूल को तोड़ा। कामकाज के मामले में 15 साल का सबसे बुरा संसद सत्र, राज्यसभा में 21 घंटे और लोकसभा में सिर्फ 19 घंटे हो पाया काम, नोट बैन पर पूरे महीने हुआ हंगामा। संसद के हंगामे से अटके कई बिल, 6 साल का सबसे बुरा रहा शीतकाल सत्र, लोकसभा में 4 तो राज्यसभा में सिर्फ 1 बिल हुआ पास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, 100% टोल को डिजिटल करने के पक्ष में सरकार, कहा 65% प्रदूषण 15 साल से पुरानी गाड़ियों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा नोट बैन का मामला, देश भर के हाईकोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई पर लगाई रोक, सुनवाई के लिए तय किए 9 सवाल। यूपी के मैनपुर में महिला सिपाही के खाते में अचानक आए 1 अरब रुपए, महिला ने फैक्स भेजकर पीएम को दी पूरे मामले की जानकारी। यूपी के कानपुर में जहर खुरानी गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में लूट का माल बरामद। नोएडा के निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली को एक और मामले में फांसी की सजा, अब तक 6 और मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब केरल हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बताया गैर कानूनी, एक मामले की सुनवाई में कहा कुरान भी नहीं देता 3 तलाक की मंजूरी। उत्तराखंड के श्रीनगर में 2,000 का जाली नोट पकड़ा गया, बैंक में पैसे जमा कराने के दौरान सामने आए नकली नोट। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस ने 41,00,000 रुपए पकड़े, जब्त किए नोटों में 2,000 और 100 के नोट। रायपुर एयरपोर्ट पर एक कारोबारी से पकड़ा गया 1.25 किलो सोना, मुंबई से रायपुर आया था कारोबारी, इनकम टैक्स ने की पूछताछ। राजस्थान के बांसवाड़ा में एटीएम में पैसा डालने के दौरान हेराफेरी, 1 करोड़ का गबन, पैसा डालने वाली कंपनी के 4 लोग आरोपी। नोएडा में शातिर ठगों के चंगुल में फंसा कारोबारी, नोट बदलवाने का लालच देकर 20,00,000 रुपए ठगे, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर मारा छापा। गुजरात के सूरत में किशोर भजियावाला के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, पकौड़े वाले के पास मिले 250 करोड़ रुपए। आधार कार्ड वाले मरीजों के लिए खुशखबरी, एम्स में होगी फ्री रजिस्ट्रेशन, बिना आधार वाले मरीजों के लिए दिया जाएगा 10 गुना चार्ज। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड की जांच में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा जांच में जितनी देरी होगी आरोपियों को उतना फायदा होगा।
मुंबई के वेस्टर्न रेलवे रूट पर यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर। इस रूट पर चलने वाली 12 लोकल ट्रेन को 19 दिसंबर से 15 डिब्बों का कर दिया जाएगा। यूपी में पोंटी चड्डा ग्रुप पर मेहरबान अखिलेश सरकार, वक्त से पहले ही शराब की दुकानों का रिन्यूअल, शराब का कोटा भी बढ़ा दिया गया। यूपी के गोंडा में सरयू नहर परियोजना में घोटाला, कागज पर नहर, कागजों पर ही सिल्ट की सफाई, करोड़ों के बंदरबांट का खुलासा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 5 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल बांध के लिए जमीन देने वाले किसानों का प्रदर्शन, 40 साल बीतने के बाद भी अब तक नहीं मिला है मुआवजा। फर्जी डिग्री मामले की जांच के लिए तिलक मांझी यूनिवर्सिटी पहुंची दिल्ली पुलिस, कर्मचारियों से घंटों पूछताछ, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का है मामला। नीतीश कुमार पर फिर बरसे आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद, कहा गाली दिलवाते रहें, मैं उठाता रहूंगा जनता के सवाल। बिहार के मधुबनी में 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत, एक ड्राइवर की मौत, घंटों बंद रहा ट्रैफिक। रांची के रिम्स में कैदी की मौत पर हंगामा, अस्पताल में शव छोड़कर भागे जेल प्रशासन के कर्मचारी, 3 साल से जेल में बंद था कैदी। पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने कार और कई बाइक को आग के हवाले किया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब के फतेहगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 20 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया, आम आदमी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का लगा है आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना ने सामरा स्कूल बाल आश्रम के बच्चों के लिए लगाए झूले और स्लाइड्स। साउथ चाइना सी के इंटरनेशनल बॉर्डर से चीन ने जब्त किए अंडर वाटर अमेरिकी ड्रोन, अमेरिका ने दर्ज कराया विरोध। बीजिंग में प्रदूषण का स्तर तय मानकों से कई गुना ज्यादा बढ़ा, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। घने कोहरे की चपेट में अमेरिका पेंसिल्वेनिया में 60 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं।